नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही अच्छा कलर आया है इन अप्पे पैन में बनाए हुए ब्रेड के दही रोल का, जिसे दही के शोले भी कहते हैं। इन्हें मैंने बहुत ही कम ऑयल यानी 2-3 चम्मच तेल के अंदर बनाया है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में या बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत इजी सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ब्रेड के दही रोल। के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही को छलनी के ऊपर डाल दिया है और नीचे एक बाउल रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये 2 घंटे के लिए हमें एक तरफ रखना है। आप चाहे तो मलमल या सूती के कपड़े में भी इसको बांध कर लटका सकते हैं नल में, नल के ऊपर। और यहाँ देखिए इतना सारा पानी निकल गया है, जिसे हम रोटी बनाने में या फिर सब्जी बनाने में काम में ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो देखिए दही है वो दिखा रही हूँ आपको, इसका टेक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल पानी निकल गया है इसका। अगर आप घर पर हंकर नहीं बना सकते तो आप बाजार में मिलता है हंकर रेडीमेड, वो इस्तेमाल कीजिएगा। 1 कप जितना, 1 बड़ा प्याज, 2-3 हरी मिर्ची मैं इसके अंदर काट कर डालूंगी। तो आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची डालिएगा, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 गाजर को मैंने ग्रेट किया है और उसका पानी निकाल कर मैंने इसके अंदर डाला है। और यहाँ पर कटा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर डाला है। 1 छोटी शिमला मिर्च को काट कर मैंने बारीक बारीक इसके अंदर डाला है। तो सब्जियां आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर नमक डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार इसके अंदर, तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच जितना मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। क्योंकि हम इसके अंदर लाल मिर्च का तीखापन नहीं डाल रहे हैं तो हम इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे, तो 1 छोटा चम्मच जितना मैंने काली मिर्च डाला है। और ये 1 चम्मच जितनी पीसी हुई शक्कर मैंने इसके अंदर डाली है। अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मिला देंगे। और ये मिश्रण मिलाने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको तुरंत ही दही के शोले बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो दही है वो पानी छोड़ने लगेगा, क्योंकि इसमें शक्कर और नमक दोनों डाल दिए हैं हमने, इसलिए ये पानी छोड़ने लगेगा। और अगर आप थोड़ी देर बाद में बनाना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे, अगर कुछ कम लगता है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मिश्रण जो है वो तैयार हो गया। मैंने इसमें 2-3 कटी हुई बादाम पतली पतली काट कर डाली है, और 2-3 काजू इसके अंदर मैं काट कर डालूंगी। और इस मिश्रण को हम एक बार वापस अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर मैंने 8-9 मिल्क ब्रेड ली है। आप चाहें तो मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं या फिर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मिल्क ब्रेड ली है। अब हम इसके किनारे काटेंगे ब्रेड के। ब्रेड अगर नरम होगी तो बहुत ही अच्छे से दही के शोले बनेंगे, क्योंकि वो ताजी ब्रेड पर अच्छे से रोल हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से दही के शोले बनेंगे, तो आप ताजी ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने रोलिंग पिन से इसे रोल कर दिया है। हमें इसके किनारों को फ्लैट करना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। यहाँ पर उंगलियों में पानी भरकर मैंने इस तरीके से लगाया है। आप चाहे तो पानी के छींटे भी दे सकते हैं। 1 चम्मच जितनी हम इसके अंदर स्टफिंग को डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद हम इसको अच्छे से मोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको रोल करना है। इसी तरीके से मैंने दूसरी ब्रेड को भी किनारे काट दिए हैं इसके। इन किनारों को आप ब्रेड क्रम्स बनाने में भी काम में ले सकते हैं। इस तरीके से हम चारों तरफ पानी लगा देंगे, पर पानी लगाने के बाद ब्रेड रोल होने में दिक्कत होती है, तो आप पानी लगा के रोल मत कीजिएगा, इसको रोल करने के बाद पानी लगाइएगा। 1 चम्मच जितनी स्टफिंग डाल दी है, और अब हम इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से अच्छे से रोल कर देंगे, ताकि ब्रेड हमारी टूटे नहीं बीच में से। और इसे दबा दबा के हमें रोल करना है जैसे वीडियो में दिखाया है। तो ये देखिए हमारे जो दही के शोले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब दूसरा तरीका दिखाते हैं, रोल नहीं करेंगे इस तरीके से, पानी दबा दबा कर हम इसको फ्लैट कर देंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच स्टफिंग भरने के बाद हम इसी तरीके से दही के शोले बना देंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। सारे हमारे दही के शोले बनकर तैयार हो गए हैं। गैस पर मैंने अप्पे पैन को रख दिया है और आज को मीडियम फ्लेम पर रखूंगी, और इसकी सारी कैविटीज में मैं 1 से 2 चम्मच जितना तेल डाल दूंगी। और इन तेल को एक बार डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे, ताकि जो तेल है वो चारों तरफ लग जाए और हमारे जो दही के शोले वो अच्छे से सिक जाए। अब हम इनकी कैविटीज में दही के शोले जो है हमने बनाए ब्रेड रोल वो डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 6-7 दही के शोले बनाए हैं, सारे नहीं बनाए हैं, तो आप जितने बनाने हैं आपको आवश्यकता के अनुसार उतने बनाइएगा। और यहाँ पर
बनाने के बाद हम इनको पलटते रहेंगे। आंच को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए, इसको पलट पलट कर हम चारों तरफ से सेकेंगे और जब ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाएंगे इनका कलर, तब हम इन दही के शोलों को निकाल देंगे प्लेट में। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से पलटते हुए सेकना है और इनका कलर एकदम गोल्डन होने लग गया है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम माउथ मेल्टिंग से लगते हैं जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ में या फिर टमाटर सॉस या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आया है, बिल्कुल क्रिस्पी से लग रहे हैं ये दही के शोले, और बहुत ही कम तेल में हमने इनको घर पर बनाया है। तो आप भी इजी सी रेसिपी दही के शोले की बनाइए अप्पे पैन के अंदर और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड टेक केयर।